अर्थात इंसान महान बनता है। वह दूसरी घटना यह थी कि अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी ने बताए गए काम करने में बहुत तत्परता दिखा रहे थे। इसी तरह एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना कमरा और अपनी अलमारी ठीक करने की, साफ सफाई करने की जिम्मेदारी यहाँ पर सुनील शास्त्री जी को दी तो सुनील शास्त्री जी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा कमरा साफ सुथरा किया और अलमारी भी ठीक ठाक की, तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। जब शास्त्री जी कमरे में आए उन्होंने देखा बहुत अच्छी तरह से अलमारी और कमरा ठीक ठाक किया गया है। जब उन्होंने अलमारी खोली तो अलमारी में उनके पुराने खादी के जो उनके कपड़े थे वो नहीं दिखाई दिए। तो यह बात उन्होंने सुनील शास्त्री जी को पूछी कि मेरे पुराने कमीज कहाँ है, तो सुनील जी ने जवाब दिया कि पिताजी यह बहुत पुराने हो गए थे, फट गए थे, इसीलिए मैंने यह पुराने कपड़े अम्मा को दे दिए। यह सुनकर शास्त्री जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शांततापूर्ण तरीके से सुनील शास्त्री जी को कहा, देखो बेटा यह अभी चल सकते हैं, यह खादी के कपड़े हैं, अब जाड़े के दिन आने वाले हैं, तो मैं यह अंदर से पहन सकता हूँ और ऊपर से कोट पहन लूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, और जब यह कपड़े बहुत ही फट जाएंगे तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात सुनकर सुनील शास्त्री जी को बहुत अपने पिताजी के प्रति बहुत आदर निर्माण हुआ। जब शास्त्री जी ने कहा कि खादी के कपड़े बनाने में बहुत समय जाता है, लोगों का कष्ट बहुत लगता है यह कपड़े बनाने में, तो तुम इसका प्रयोग करते हुए इसका पूर्ण तरीके से उपयोग हमारे जीवन में करना चाहिए। तब अम्मा से शास्त्री जी ने वह कपड़े वापस ले। देखिए इंसान किसी भी अच्छे पद पर रहे तो उन्हें अपनी सादगी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, बराबर है ना। इसी तरह उनके जीवन में बहुत कठिन समस्या भी आई थी। जब शास्त्री जी की शादी हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, तब उनके परिवार उन्हें उनकी पत्नी के जो मायका होता है वहां से 5 ग्राम सोना मिला था, तो उनके परिवार में बहुत जो व्यवसाय था वह व्यवसाय डूबने में आया था उनके चाचा जी का, तो उनकी पत्नी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने वह गहने मांगे, तो पत्नी ने किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच या इनकार न करते हुए वे गहने अपने पति को दे दिए, क्योंकि उन्होंने उनका ऐसा मानना था कि उनका असली गहना तो उनके पति है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ गले का मंगलसूत्र, बिछुए और बिंदिया छोड़कर सब कुछ उन्होंने अपने जो पति है लाल बहादुर शास्त्री उन्हें दे दिया और कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जब तुम्हारे मायके वाले पूछेंगे तुम्हारे गहने कहाँ है तो तुम क्या कहोगी। यह सुनकर उनकी पत्नी थोड़ी सी हंसी और बोली, मैं कह दूंगी कि महात्मा गांधी जी के कहने के अनुसार अब मैंने गहने और अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया है। यह सुनकर लाल बहादुर शास्त्री की आंखों में आंसू आए और उन्होंने उनको अपने माँ पत्नी की महानता का परिचय मिला। देखिए छात्रों, जब हम हमारे परिवार में आए संकट के समय हमारे परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाला प्रसंग भी, हमारे प्रसंग में भी हमारे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, और हमें हर समय औरों की मदद करनी चाहिए। यह भी इस पाठ से हमें समझाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ बातें प्रत्यक्ष खुद ही करके या अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको खुद ही के माध्यम से यह शिक्षा देने का प्रयास किया है, और यह सफल प्रयास हुआ है क्योंकि सुनील शास्त्री जी भी आगे जाकर एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसीलिए इस पाठ का जो मेन जो मुख्य उद्देश्य है वह छात्रों में, बच्चों में इस
स्वावलंबन को बढ़ावा देना ऐसा माना गया।